एक अलमारी जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसमें अगर सिर्फ नोट भरे हुए हो तो आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आप नोटों से भरी एक अलमारी को देख सकते हैं। नोटों से भरी ये अलमारी आजकल हर किसी की ख्वाहिश बनी हुई है। हर कोई इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर रहा है। हर किसी की दिली तमन्ना है कि काश ये अलमारी उसके पास भी होती। वायरल हो रही इस तस्वीर को लेकर लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तैर रही इस तस्वीर की क्या है सच्चाई, आज हम आपको बताने वाले हैं। हैदराबाद की फार्मा कंपनी हेट्रो फार्मास्यूटिकल पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। आरोप यह है कि हेट्रो फार्मा के ऑफिस से 500 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा सका। दावा यह है कि इस छापा के दौरान 142 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। ये तस्वीर भी यहीं की बताई जा रही है। हालांकि इस तस्वीर के बारे में आयकर विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेट्रो कंपनी के 50 जगहों पर छापेमारी की गई है। ये वही कंपनी है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी। आपको तो याद ही होगा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इस इंजेक्शन की कैसे लूटमार मची थी। महज कुछ 100 रुपए में मिलने वाला ये इंजेक्शन 50,000 रुपए में मिला था। अब इसी कंपनी में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। एक ओर जहां कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हैं, ऐसे में एक कंपनी में इतनी बड़ी रकम मिलना, वो भी गैर कानूनी तरीके से, ये आम लोगों के बीच हैरानी का विषय है। इस पूरी तस्वीर पर और इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।